गुड मॉर्निंग सभी को फिलहाल के लिए। और अभी सुबह कब बज रहे हैं 7, और मैं एकदम चकाचक रेडी हो चुका हूँ अपना पीडीआई जाने के लिए। और फिलहाल के लिए हमारा आज टेस्ट है, तो काफ़ी थोड़े बहुत नर्वस फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं, जाके जाएंगे मस्त कॉलेज में और अपना टेस्ट भी दिलाएंगे, और थोड़े अच्छे से दिलाएंगे, थोड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से, ठीक है। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो भैया कैसे हो आप सब लोग? हमें लगता है कि आप सब लोग एकदम मस्त तंदुरुस्त और घर पे बैठ के मस्त गर्मी का मज़ा ले रहे होंगे, और हम यहाँ रूम पे बैठे बैठे पक गए हैं भाई, एकदम पके हुए मोमोज की तरह। इसलिए हम चाहते हैं कि यार थोड़ा सा बाहर घूमा जाए, और कल हम लोग का टेस्ट है और ज्ञान पाठ चेरिया, इस वजह से तो यार थोड़ा सा बाहर घूम ले तो थोड़ा सा फील बेटर करेंगे, तो अच्छा लगेगा। और हम चलते हैं बाहर की ओर, थोड़ा सा बिलासपुर बाहर पे नज़ारिया का मज़ा लेते हैं। कहीं के पूरा दिन भर यार क्या ही बताएं, रूम पे रुक रुक कर पूरा पक चुके हैं। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। तो चलते हैं, कुछ बाहर घूमते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके आते हैं, फिर थोड़ी देर में आराम से फिर थोड़ा चिल मार के पढ़ने की कोशिश करेंगे थोड़े से। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं टाइम पे। A few moments later. चलिए भैया ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं। तो भैया अगर वीडियोस पे आ गए हो तो वीडियोस पूरा देख के जाना, अधूरा छोड़ के मत जाना। चलिए ब्लॉग को हम लोग फिलहाल के लिए कंटिन्यू रखते हैं। तो भैया फिलहाल हम अपने रूम से निकल चुके हैं और थोड़े से बाहर घूम लेते हैं और माइंड फ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि देखिए सारा दिन अगर कि आप रूम पे एक कमरे पे बंद रुके रहो तो थोड़ा माइंड एकदम कितनों भी अच्छे रहे डाइवर्ट हो ही जाते हैं थोड़े बहुत। तो यार थोड़े बहुत बाहर घूम लो और माइंड अपने फ्रेश कर लो, उसके बाद फिर चले जाओ रूम पे, जो पढ़ना है पढ़ते रहो और जो करना है वो करो, तो बढ़िया रहता है। तो भैया फ़िलहाल के लिए ये है हमर बिलासपुर के अरफा नदी, जेकर जस्ट ओवर ब्रिज पर हम खड़े हैं और एक बढ़िया नज़ारा का लुत्फ़ उठाते हुए फ़िलहाल के लिए। और भैया हम आपको बता ही दें कि हम अपन शकल ना ही दिखा सकते हैं, काहे कि ईसाम का वक़्त है और हमार शकल एकदम करिया करिया आएगा, इसलिए फ़िलहाल दूसरों का नज़ारा देखते हुए लुत्फ़ उठाते हैं फ़िलहाल अरफा नदी होगा, और हमार शकल देख के का ही करोगे और ऐसे तो नहीं होता है। तो भैया यहाँ से स्टार्ट होता है हमर बिलासपुर के रिवर व्यू, जो जस्ट अरफा नदी के ऊपर है। तो भैया उधर हम ना ही जा सकते हैं, काहे कि उधर दो दो पंछियों का झुंड रहता है और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से वो जो पंछियाँ हैं वो उड़ जाए या बिचक जाए, तो इसलिए हम उधर ना ही जा सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? या हम यहीं से रिटर्न लेते हैं अपने रूम की ओर, और हम रिवर व्यू की तरफ ना ही जा सकते हैं, क्योंकि देखो हम ठहरे चमगादड़ और उधर जो रहते हैं वहाँ स्वीट स्वीट जो पंछियाँ जो रहती हैं ना, हमारी वजह से हम फड़फड़ा उधर जाएंगे और हमारी वजह से वहाँ का माहौल ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम ना ही चाहते हैं कि उस तरफ जाएं और उधर स्वीट पंछियों का जो झुंड है उनको बिचका दें, इसलिए भाई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भैया हम दूर से ही नमस्ते करते हैं। तो भैया हम अपने आप में ही खुश हैं, काहे का टेंशन पालना। तो भैया आप सभी लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा, और हम फिलहाल के लिए जा रहे हैं अपने रूम की ओर, क्योंकि हमारा 10 मिनट का जो माइंड फ्रेश है वो पूरा हो गया और हम जाएंगे अपने रूम, और जाकर कल हमारा टेस्ट है, वहाँ पढ़ेंगे अपना ज्ञान पाठ चर्या को। और एक्चुअल बोला जाए तो हम ये नहीं चाहते भैया कि हमार क्लास की कन्याओं के सामने हमारी बेइज्जती हो, इसलिए हम जाते हैं और पढ़ते हैं और कल का टेस्ट दिलाते हैं, फिलहाल के सर्टिफिकेशन टाइप का हमारा मास्क आ जाए वही बहुत है हमारे। गुड मॉर्निंग सभी को फिलहाल के लिए। और अभी सुबह कब बज रहे हैं 7, और मैं एकदम चकाचक रेडी हो चुका हूँ अपना पीडीआई जाने के लिए, और फिलहाल के लिए हमारा आज टेस्ट है, तो काफ़ी थोड़े बहुत नर्वस फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं, जाके जाएंगे मस्त कॉलेज में और अपना टेस्ट भी दिलाएंगे, और थोड़े अच्छे से दिलाएंगे, थोड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम तैयार हो चुके हैं, पूरा बी रेडी हो चुके हैं, और लेट्स चलते हैं अपना बीडीआई जहां हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं। तो पहले चलते हैं, हमारा पूरा सब कुछ रेडी हो चुका है, और ये जो दिख रहा है मेडल, ये हमारा डांस में जो पिछले बार लिए थे उनका कुछ मेडल मिले थे,
तो ये हमारा मेडल वगैरह सब है, और फिलहाल के लिए हम लोग फटाक से चलते हैं और ब्लॉग्स पे कंटिन्यू बने रहना, और भी मजे करेंगे बहुत सारे। A few moments later. तो या पूरे के पूरे इस ट्रेनिंग के दौरान हम लोग कंटिन्यू ब्लॉग तो बनाएंगे ही, और जानेंगे कि किस प्रकार से जो डीएलएड के छात्र अध्यापक का जर्नी रहता है, उनका क्या क्या करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के जो काम है या हमारे कार्य है सबको शो करेंगे और दिखाएंगे आप सभी को। तो चैनल पे कंटिन्यू बने रहना, और ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को सब्सक्राइब करना। मिलता है। तो भैया ये हमारी बसंती, तो भैया ये है हमारा बसंती। कोई साथ दे या ना दे, हमार बसंती हमार साथ जरूर देते हैं। वेल, मौसम थोड़ा बढ़िया सुहाना है, प्लस धीमी धीमी सूर्य की किरणें, और ये हमारे बिलासपुर के अरपा नदी। चुके हैं अपने संस्थान बीटीआई, और थोड़े से लेट हो चुके हैं, लेकिन कोई नहीं, पहुंच जाएंगे हम। यू आर सो लेट, क्यों? ओ चलिए छोड़िए, आप ये बताइए टेस्ट के लिए रेडी हो? 50%। तो कैसा लग रहा है आपको टेस्ट के लिए, तैयार हो? बीटीआई संस्था बिलासपुर। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मुठिया फेंकने जाना है, बाय। तो भैया फिलहाल के लिए कॉलेज से हमारी छुट्टी हो गई है, और कॉलेज से छुट्टी होने के बाद हम अपने रूम गए, फ्रेश व्रेश आराम से हुए, और उसके बाद हम निकल गए हैं अपने घर के लिए, क्योंकि आज है शुक्रवार और शनिवार रविवार दो दिन छुट्टी रहता है। तो फिलहाल हम रुक चुके हैं सीपत चौक के पास, और सीपत से सीधे के सीधे निकलेंगे रतनपुर के लिए, और ये बस थोड़े से कॉस्टली है इसलिए नहीं जाएंगे, हम अपने सिटी बस का वेट कर रहे हैं, फिलहाल आए तो हम चले।